हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई पनीर की मसाले की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने कढ़ाई में ऐड किया है 2 टीस्पून ऑयल और यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम लो रखा है। ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर 1 तेज़पत्ता, कुछ साबुत मसाले ऐड किए हैं मैंने, जिसमें 2 साबुत लाल मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची हैं और 1 छोटा सा जायफल का टुकड़ा है। मिक्स कर लेंगे और इसको हमें हल्का सा ही भूनना है। ऐड किए हैं 6 से 7 अदरक के टुकड़े, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के प्याज को रफली चॉप कर लिया है और इसको हमें हल्का सा भूनना है। और यहाँ पर प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून नमक ऐड किया है, जिससे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। और यहाँ पर मैंने 1/4 कप पानी ऐड किया है। और अब हम कढ़ाई को 2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं और टमाटर प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 10 से 12 काजू और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और हमें इन्हें ढककर कुछ सेकंड के लिए ही पकाना है। यहाँ पर टमाटर प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और ठंडा करके हम इसको पीस कर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून घी लिया है। आप यहाँ पर ऑयल या बटर का भी यूज़ कर सकते हो। और जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा तब मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून साबुत धनिया ऐड किया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और ऐड की है 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मिक्स कर देंगे और फ्लेम हमें यहाँ पर लो ही रखना है। अब मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर प्याज का पेस्ट, जिसको हमने पीस कर ले लिया है, और हमें यहाँ पर फ्लेम लो ही रखना है और इसको मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई को हम यहाँ पर कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं और प्याज टमाटर का पेस्ट अच्छी तरह से भुन गया है। एक बार हम इसको चला लेंगे। और अब मैं ऐड करूँगी मसाले। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून ऐड किया कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला, आप इसकी जगह गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर ऐड की है और ऐड किया है नमक एज पर टेस्ट। यहाँ पर मैंने 1/4 कप पानी ऐड किया है। मिक्स कर लेंगे। अब हम कढ़ाई को कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए और मसालों को अच्छी तरह से यहाँ पर हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनना है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और देखिए मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं और मसालों की अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। और यहाँ पर मैंने 1/4 कप पानी और ऐड किया है। आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जैसी रखनी है आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पानी कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब हम इसे ढककर पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ पर ग्रेवी अच्छी तरह से पक गई है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/2 कप फ्रेश मलाई, आप यहाँ पर क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। और हमें यहाँ पर इसको लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करना है। कवर कर देंगे कढ़ाई को 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पर देखिए ग्रेवी एकदम परफेक्ट है, अच्छी तरह से यहाँ पर ग्रेवी पक गई है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून टमाटो केचप, इससे बहुत ही अच्छा कलर भी आता है और फ्लेवर भी। आप चाहो तो 1 या 2 पिंच यहाँ पर
शुगर भी ऐड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ पनीर। मैंने यहाँ पर 400 ग्राम पनीर को ले लिया है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टिप, जब भी आप पनीर की कोई भी ग्रेवी बनाएं, तब आप पनीर को जब ग्रेवी एकदम तैयार हो लास्ट में ही ऐड कीजिए। और पनीर को हमें ऐड करने के बाद ग्रेवी को ज़्यादा नहीं पकाना है, अदरवाइज़ पनीर हार्ड हो जाएगा। यहाँ पर हमें कुछ सेकेंड ही पनीर को ग्रेवी में पकाना है। अब हम ऐड करेंगे यहाँ पर वेजीज। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है और इसको स्क्वायर शेप में कट कर लिया है, उसके अंदर का पल्प मैंने हटा दिया था। ऐड किया है एक मीडियम साइज़ का प्याज और एक शिमला मिर्च जिसको मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। और हमें इन सब्जियों को जब ग्रेवी एकदम बन जाए तभी ऐड करना है पनीर के साथ, जिससे कि सब्जियों में क्रंच बना रहेगा। अब मैंने यहाँ पर थोड़े से पनीर को हाथ से क्रम्बल कर दिया था, उसको ऐड कर देंगे। इससे भी ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और थिकनेस भी ग्रेवी की बढ़ जाती है। मिक्स कर लेंगे हल्के हल्के हाथों से। और अब हम इसको एक मिनट के लिए कवर कर कर रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ पर कढ़ाई पनीर बनकर एकदम तैयार है। इस वीकेंड आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं इसे ऊपर से गार्निश कर रही हूँ कसूरी मेथी से, जो इसके टेस्ट को और भी बढ़ा देगा। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर हरा धनिया भी ऐड कर सकते हो। आप भी कढ़ाई पनीर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने रिव्यू मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। आपको अगर आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।